Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well and study very, very hard. So, organometallic classes are going on. Beech mein ek hafte ka, you know, disturbance ho gaya. But I will make sure ki ab jo organometallic ki classes aayengi, bilkul regular aayengi. Pehle hum isko hi khatam karenge. Theek hai, jaise pehle aati thi na, Tuesday, Thursday and Saturday. To isi tarike se ab regular classes aapko organometallic ki milenge. First to ye wali baat. Second, hamein kitni aur classes chahiye organometallic ko khatam karne ke. Now these are the topics, ठीक है, ये मुझे cover करने हैं because these are very important, इनको हम skip नहीं कर सकते हैं, तो जैसे जैसे topics हैं, उतनी classes हैं, for example, है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब आज की class के बाद, 6 more classes will be there and this chapter will be completed, 6 के बाद एक class आएगी, एक assignment वाली class, जिसके अंदर मैं previous year के वो questions लूँगी, सारे questions नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारे questions ऐसे हैं जो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, यू नो, इलेक्ट्रॉन नंबर निकालना, शेप निकालना, ज्योमेट्री निकालना, या फिर हम लोग क्लोजो नीडो, तो ये तो बहुत इजी होता है, ये तो सीधा आपने पुट करना है, आप निकाल लोगे. ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत हार्ड है, टिपिकल है, उन क्वेश्चंस को वी विल डील इन द असाइनमेंट सेशन, जो कि होगा इसके लास्ट, मतलब आज की क्लास के बाद वी आर गोइंग टू हैव अ 7 क्लासेस of organometallic chemistry series, ठीक है, इसके बाद, this is, और आप लोग मुझसे पूछते हो, ma'am, is this sufficient for CSIRnet, IIT, JAM और GATE, yes, this is more than sufficient, बस मैं यही कहती हूँ कि जितना आप करते हो, उसको thorough revise करो, concept को अपने clear करो, coordination भी even, मैंने starting में कहा था कि I am giving you the only short notes, but उसको मैंने काफी complete किया है, तो आप coordination भी देखो, complete है, पूरा का पूरा आपका organometallic, acid base, F block, even chemical body, तो ये पूरे chapters जितने चल रहे हैं ना, complete ही चल रहे हैं, इसके बाद हम chemical kinetics finish करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा, you know, आने वाला future planning है, कि क्या है, ठीक है, हमें last class में coupling-coupling reaction start की थी और मैंने कहा था कि आपके metal के according coupling-coupling reactions के name है and this is more than sufficient. But last में मैंने ये भी बोला था कि तीन main ऐसी reactions हैं जो थोड़ी से changes हैं, ज़्यादा changes नहीं है, आपके वही mechanism लगेगा जो हम oxidative addition किया था, transmetallation किया था, reductive elimination किया था, अगर carbonyl होगा तो migratory insertion एक add हो जाता है, बिल्कुल वैसे कि वैसे ही होने वाला है इनमें भी, बस थोड़ा-थोड़ा changes हैं जिसको आज हम कर लेंगे और heck coupling वो हम next class में करेंगे जिसको मैंने heck reaction लिखा हुआ है क्योंकि बहुत important है इसमें ना different type के examples हैं questions हैं जिसको हम deal करेंगे next class में आज की class में हम क्या करने वाले हैं Suzuki reaction और Sonogashira reaction ठीक है इनको क्या difference है क्या बस थोड़ा-थोड़ा सा add up करना है बस और उसके बाद आपका ये coupling organometallic का पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एक और बात अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी इससे जस्ट पहले वाली क्लास तो मैं पहले कहूंगी कि आप वो क्लास देखें फिर ही आज की क्लास में मूव करें क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है आज की क्लास आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि वो उसी का कंटिन्यूएशन है बस हम तीन मेन कपलिंग को थोड़ा सा ब्रीफ में लेने वाले हैं सबसे पहले Sonogashira कपलिंग फिर सुजुकी कपलिंग हैक कपलिंग हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे ठीक है Sonogashira कपलिंग देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ठीक है इसके ऊपर हम लोग जाएंगे इससे पहले क्या ऐड अप हुआ देखो जो हम अभी तक करके आ रहे थे उसमें हम कर क्या रहे थे हमारे पास मान लो कोई R-X था कोई भी लिविंग ग्रुप के साथ में प्लस में कोई अल्काइल ग्रुप था जो भी मेटल के साथ में था जो भी मेटल था वो कोकैटलिस्ट होता है मान लो कि जैसे कॉपर है तो Sonogashira कपलिंग कर दिया टिन कह तो स्टील कपलिंग कह दिया तो एक मेटल होता था प्लैटिनम एंड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होता था ये हमारा कॉमन है ये हमें हर क्वेश्चन में मिलने वाला है कपलिंग कपलिंग रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ठीक है अब इनमें क्या डिफरेंस है Sonogashira के अंदर जो हमारा co-catalyst होता है वो होता है copper ठीक है इसके बाद इसमें हमें एक मिलता है base हमें कोई भी एक base पक्का इस मतलब ये जो भी इसका question होगा base हमें पक्का मिलेगा copper as a metal मिलेगा और third हमें कोई भी terminal alkyne मिलेगी terminal alkyne बस हमको इतना सा ध्यान रखना है R-X Aurum, Aurum means
जो भी कॉपर के साथ लगा हुआ है उस तरीके की चीज मिलेगी, कॉपर अपन को किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा, बेस मिलेगा, टर्मिनल एल्काइन मिलेगा, बस इतना सा है। अब कैसे रिएक्शन को करना है अब हम देखेंगे। दीज आर द मेन सबस्ट्रेट ऑफ सोनोगैशिरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, कॉपर को जैसे ही देखेंगे हम ध्यान रखेंगे इट इज अ सोनोगैशिरा कॉम्प्लेक्स, ओके। अब यहाँ पे वी हैव अ टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन का क्या मतलब होता है, जो भी मेरा अल्काइन बॉन्ड है चाहे कितने बड़ी कार्बन की चेन हो पर जो अल्काइन है वो लास्ट में होना चाहिए। लास्ट में कैसे पता चलेगा, वहां पे कार्बन ना होके एच होना चाहिए, तो उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल अल्काइन। अब जैसे मान लो आपने CH3C CCC ऐसी कोई दे दी, तो इट इज नॉट अ टर्मिनल अल्काइन, क्योंकि जो अल्काइन है वो मेरा बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अभी एक कार्बन है। अब इसी को अगर हम इस तरीके से लिख देते, मतलब यहाँ पे CH2, ये मान लो CH CH, है ना, यहाँ पे एक H प्राप्त हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज आवर टर्मिनल अल्काइन, बिल्कुल एंड में होना चाहिए, तो दैट इज अ टर्मिनल अल्काइन। हमारे को टर्मिनल अल्काइन मिला है, कॉपर आयोडाइड मिला हुआ है, बेस मिला हुआ है, बस हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, प्लैटिनम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। देखो हमारे को पता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बेसिक चल रहा है, क्लेडियन सीरीज चल रही है, ठीक है। बेस का एक ही काम होता है, वो हमारा प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। एसिडिक है क्योंकि एल्काइन, आप अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा एसिडिक और बेसिक, जो एल्काइन का एच होता है वो भी काफ़ी एसिडिक होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक एच को निकाल देगा। यहाँ तो एक कार्बन था ही ना जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटोन निकाला है, एच प्लस जो है निकला है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉपर, कॉपर इज ए मेटल, मेटल तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, कॉपर आएगा और यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये तो वैसे के वैसे ही है हमारा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है क्योंकि कोई ना कोई हमारे को लिविंग ग्रुप भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सिंगल, अपना ये ट्रिपल बॉन्ड और ये हमारा यहाँ पे आ, ये हमारा मेटल क्रिएट हो गया। हमें चाहिए होता है आयरन, ये हमने क्रिएट किया, होता नहीं है सोनोगैशिरा में, होता नहीं, वी हैव टू क्रिएट इट। और मे बी आपको क्रिएट भी ना करने पड़े, आपको ये सीधा भी मिल सकता है। बस अब यहाँ के बाद हमारी पिछली क्लास होगी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, जो हमारा ये जिस पे भी लीविंग ग्रुप लगा होता है वो प्लेटिनम के साथ मिलकर ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है। तो पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये जो है जाएगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होता है, प्लेटिनम यहाँ पे LN4 है, Br अलग हो जाएगा और यहाँ बेंजीन रिंग अलग हो जाएगी। दिस इज अ ऑक्सीडेटिव एडिशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, अगर कार्बोनिल है तो माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, अगर कार्बोनिल नहीं है, यहाँ कोई भी कार्बोनिल नहीं दे रखा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में क्या होता था, जो हमारा ये ऑक्सीडेटिव का प्रोडक्ट आया और जो ये मेरा मेटल है, यहाँ से कॉपर निकलेगा और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, ये प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो नेक्स्ट में वी हैव ट्रांसमेटलेशन और यहाँ पे प्लेटिनम और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड R, यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ पे भी है वह डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो LN है वो वैसे के वैसा हो जाएगा, ओके डन, ठीक है। ज्योमेट्री में रिटेंशन रहता है, वैसे इसमें हमारे को रिटेंशन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अल्काइन एल्कीन में हम लोग ये देखते हैं। नेक्स्ट में रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन ये अपना यहाँ से निकल जाएगा और आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया, मान लो कार्बन ही था, ये ट्रिपल बॉन्ड था और ये यहाँ पे आर था। तो ये है हमारी प्रोडक्ट और ये है हमारी सोनोगैशिरा कॉम्प्लेक्स। आसान है, कुछ भी नहीं करना, हमको मेटल क्रिएट करना था क्योंकि कॉपर हाइड्रेट के फॉर्म में था, आपने यहाँ अपना कॉपर लगा दिया। इसके बाद बिल्कुल जैसे हमारी रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर ट्रांसमेटलेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। और अगर आपको सीधा यहाँ पे है तो आपको कुछ नहीं करना होता,
आपको सीधा जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी सीधा ये कॉपर ब्रोमाइड को निकाल देंगे इसका और इसका बस में बॉन्ड बना देंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया। अब ना एक खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं सोनोगैशीरा कपलिंग का ही ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए। गाइस अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपर आयोडाइड दिख गया, सोनोगैशीरा कपलिंग है, बेस है, तो इससे हमें ये हो गया इट इज अ सोनोगैशीरा कपलिंग। अब देखो यहाँ पे बेस है, बेस का क्या काम होता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना है पर एसिडिक वाला करना है। अब वी हैव अ टू प्रोटोन्स ओवर हियर, एक तो यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है और हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है कि अगर COH के साथ मीन्स एसिड के साथ एच है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, अगर OH के साथ है दैट इज ऑल्सो वेरी एसिडिक एज कम्पेयर टू जो कार्बन के साथ है, तो मतलब पहले टाइम पे तो ये निकलेगा यहाँ पे ये O नेगेटिव लगाएगा बट अभी भी बेस है हमारे ये भी निकल सकता है। अब ये दोनों निकलेगा, अब कॉपर कहाँ पे आके रिएक्ट करेगा, तो एक छोटी सी चीज लिखेंगे यहाँ पे ट्रिक की फॉर्म में, द अनायन दैट फॉर्म एट लास्ट विल रिएक्ट फर्स्ट, अनायन जो लास्ट में बनेगा वो रिएक्ट फर्स्ट मतलब वो पहले रिएक्ट करेगा, ये पहले बना फिर ये बना, ये बाद में बना तो ये पहले रिएक्ट करेगा, तो कॉपर आयोडाइड यहाँ से आएगा और यहाँ पे आके लग जाएगा और हमारी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे मेटल। ये मैंने यहाँ पे कॉपर लगा दिया, ठीक है, द मेटल इज रेडी, अपना एच आएगा वो वापस फिर से लग जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप पे लग जाएगा, लास्ट पे लग जाएगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। चलो इसके बाद हमारा, मैंने कहा सिंपल सा कुछ भी नहीं करना होता, ये हमारा बना यहाँ से कॉपर यहाँ से ब्रोमीन हम निकाल देंगे, इनका आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आप उसी तरीके से कर सकते हैं, हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो देखो। और अगर मेरे पास एल्कीन है तो ये हमने पिछली क्लास में किया था लास्ट क्लास में दैट देयर विल बी अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन की रिटेंशन हुआ, तो हम यहाँ पे अपना रिटेंशन ही दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ट्रांस एल्कीन था तो हमें ट्रांस ही दिखाना है और यहाँ पे इसने आके अपना इसके साथ एक कार्बन देन ट्रिपल बॉन्ड देन कार्बन और यहाँ पे वी हैव OH, ये मेरा बन गया यहाँ तक का प्रोडक्ट सोनोगैशीरा कपलिंग मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक रिएजेंट और एंड अप है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये जो है ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इन दोनों पे रिएक्ट नहीं करता, पर अब एक नोट करेंगे, अगर अलाइलिक अल्कोहल है मतलब यू नो अलाइल, अच्छा एक कार्बन मैंने यहाँ मिस कर दिया, एक कार्बन हमारा यहाँ पे जैसे कि एक तो ये वाला कार्बन हो गया और एक कार्बन ये और फिर OH, अगर हमारा अलाइलिक कार्बन है, ठीक है, अलाइलिक कार्बन के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वो उसको ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे H2 लिख लेंगे और लिखेंगे अगर अलाइलिक OH है तो वो अलाइलिक OH के साथ आपका अगर अल्काइन ग्रुप है तो उसको ये कन्वर्ट करता है ट्रांस एल्कीन में, उसको वो कन्वर्ट करता है ट्रांस एल्कीन में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रांस एल्कीन में, मीन सी डबल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड अगर नीचे है तो ये वाला जो अब जो ग्रुप है वो हमारा नीचे आ जाएगा सी एच टू ओ एच, यहाँ एच लगा दीजिए, यहाँ पे एच लगा दीजिए, सी डबल बॉन्ड ये तो पहले से ट्रांस था, ये भी ट्रांस था, ये मेरा फिनाइल, तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग करते हैं सुजुकी रिएक्शन। हे गाइस अब हम लोग करते हैं सुजुकी कपलिंग। देखो सुजुकी कपलिंग में हमारे को पता है को कैटलिस्ट कौन सा होता है, बोरोन होता है, इसमें भी वी नीड अ बेस, पर यहाँ पे इस बेस का काम है चिलेशन करना विद बोरोन, आपको इसको बेस जो है चिलेशन करता है चिलेशन विद बोरोन, क्योंकि बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, हमें पता है जो BH3 है या PH2 के फॉर्म में है इट हैज़ ए एम्प्टी पी ऑर्बिटल, तो ये इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल को फिल करने का काम करती है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल को फिल करने का काम करती है चिलेशन करके उसको फिल कर देती है, ठीक है, तो बेस का ये काम है। अब जो ये चिलेशन हुआ
वो ट्रांसमेटलेशन में हेल्प करता है. This chelate product helps in transmetallation. क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस पे अप्लाई करते हैं. हमको बोरोन यहाँ पे दिखाई दे गया, बेस हमें यहाँ पे दिखाई दे गया, बस हमें पता चल गया इट इज अ सुजुकी रिएक्शन. तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, इट हैज ए एम्प्टी ऑर्बिटल. सबसे पहले बेस आएगा, इसके साथ जो है चिलेट बनाएगा, Na प्लस OT नेगेटिव, ये आएगा इसके साथ चिलेट बनाएगा. तो क्या बन जाएगा, जिसकी जैसी ज्योमेट्री है, ये याद रखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक में देयर इज अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन रिटेन रहती है. ठीक है, तो अगर ये ट्रांस बना हुआ है तो हम ट्रांस ही बनाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारा बोरोन हो गया, यहाँ पे X2 क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये बन गया OET के साथ, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेसेस, ये हमारा, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गई, क्योंकि X है, X क्या हो सकता है, इसके साथ OR लगा हो सकता है, OH लगा हो सकता है, आगे हो सकता है, मतलब BR2 हो सकता है, BOH2 हो सकता है, BOR2 हो सकता है. Y, Y is a leaving group. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अपना OTS, OTF, OMS, ये सारे में से कोई भी हो सकता है. पहला स्टेप क्या होता था कि ये इसके साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा प्लैटिनम के साथ, तो हम लोग वही करेंगे. यहीं पे मैं दिखा देती हूँ कि प्लैटिनम के साथ, मतलब प्लैटिनम के साथ इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गई. देखो अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत अच्छे से डिटेल में कराया. मान लो ये एलियन कोर था. Y, Y is a leaving group. तो Y मैंने यहाँ लगा दिया, ये मैंने alkene लगा दी, और मैंने ये बताया है कि अगर ये trans है तो trans cis है तो cis. तो यहाँ पे हम H दिखा देंगे, यहाँ H दिखा देंगे, ये मेरा R dash है, मैंने ये R dash दिखा दिया. ठीक है, next में क्योंकि ये chelate बन गया, अब ये easily transmetallation कर सकता है, तो ये और Y अपना ये आपस में निकल जाएंगे. Next step क्या होता है, transmetallation, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा. तो क्या बन जाएगा, प्लैटिनम, यहाँ पे एलन फोर है. ओके, अब ये एल्कीन यहाँ पे लगनी है, ट्रांस लगानी है, तो हम ट्रांस ही लगाएंगे. यहाँ पे ये आर, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, और ये हमारा यहाँ पे आर डैश वाला है, तो यहाँ पे हम आर डैश लगा देंगे, एच एच एंड आर डैश. नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना, रिडक्टिव एलिमिनेशन करना, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लेना. तो ये आपस में दे विल डू अ रिडक्टिव एलिमिनेशन, और इनका अब जैसे ट्रांस है उसके साथ ट्रांस ही लगा हुआ है, तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे. तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, मान लो ये आर है, यहाँ पे ये एच है, यहाँ पे ये एच है, देन दिस, फिर ये भी आपस में ट्रांस ही है, तो ये एच है, यहाँ पे एच है, एंड दिस द आर डैश. तो ये आपस में इन लोगों ने प्रोडक्ट बना लिया. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस अपनी सुजुकी कपलिंग. ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो अब दो क्वेश्चंस और करते हैं सुजुकी कपलिंग के. गाइस क्वेश्चन करते हैं, ये हमको अल्काइन दे रखा है, यहाँ बोरोन दे रखा है, यहाँ पे हमें रिएक्शंस दे रखी हैं, देखते हैं इसे कैसे मूव ऑन करना है. ठीक है, देखो हम लोग डाइबोरेन्स भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स देखो मिक्स होके आते हैं ऑर्गेनोमेटालिक के साथ, तो रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो रिएजेंट्स नहीं छोड़ना हाँ पेपर के लिए. इसका जो डाइबोरेन का जो हमारा काम होता है वो बी एच थ्री में स्प्लिट होता है, फिर बी एच थ्री आपका एच नेगेटिव और बी एच टू पॉजिटिव में स्प्लिट होता है. ठीक है, ये आपका कहाँ पे अटैक करता है, ये हमारा लेस हिंडर्ड साइड पे लग के जाता है, और ये हमारा अपना हिंडर्ड साइड पे लगता है, ये हमें हिंडर्ड साइड पे लगता है. ठीक है, ये हिंडर्ड पे लगता है, ये लेस हिंडर्ड पे लगता है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे. जो हमारा यहाँ पे अब जैसे ये था, ये तो पी एच है. ठीक है, अब इसका जो ये एच वाला पार्ट है ये जाएगा हिंडर्ड पे, और ये बोरोन वाला पार्ट चला जाएगा लेस हिंडर्ड पे. अब यहाँ पे वी हैव अ सिंगल सी और एच, यहाँ पे सी फाइव एच इलेवन, मतलब एक कार्बन के ऊपर कितने सारे चार कार्बन लगे हुए हैं, तो इट इज़ वेरी हिंडर्ड.
तो फर्स्ट स्टेप में जो डाइबोरेन की ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में हम लोग जब करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, और ये जो बोरोन ऐड होता है इसकी सिस एडिशन होती है, मतलब दोनों ग्रुप सेम साइड से अटैक करते हैं और एल्काइन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, और सिस एडिशन होगी तो ये C5H11 ऊपर चला जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक और H लग जाएगा जो इसके साथ है, और यहाँ हमारा बोरोन अपना आके लग जाएगा जो कि इसको क्रिएट कर देगा अपना सुजुकी कपलिंग के अंदर। अब ये सुजुकी कपलिंग का सबस्ट्रेट बन गया है, जो बोरोन के साथ हमें R चाहिए होता है एल्काइल ग्रुप वो हमें मिल गया है। सेकेंड स्टेप, अब ये वाला पूरा का पूरा हमारा है सुजुकी कपलिंग, हमें सुजुकी कपलिंग करनी है। फिर क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो बेस है वो चिलेट बनाता है, ये आएगा है ना बोरोन के साथ चिलेट बना लेगा, यहाँ पे ओ ई टी आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर्पस लिविंग ग्रुप वाला है, ये प्लेटिनम के साथ क्या करता है ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है, फिर ये आपस में ट्रांसमेटलेशन करते हैं। हम सारी चीज़ें कर ली हैं तो हम सीधा इस ग्रुप को और इस ग्रुप को निकाल देंगे, इनका आपस में बॉन्ड बना देंगे, और ये ध्यान रखेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमारा सिस है, अगर हमारा सिस है तो हम सिस रखेंगे, ये हमारा ट्रांस था तो यहाँ पे वी विल फॉर्म अ ट्रांस, तो यहाँ वी हैव अ सिस तो हम सिस ही रखेंगे, तो ये हमारा हो गया फिनाइल, ये मेरा H और ये मेरा H, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो बहुत इजी है, एक बार बस एक बार समझना है, एक बार पेपर से पहले रिवाइज करके जाना है ताकि कोई भी आए तो हम बिल्कुल भी घबराएं नहीं। बोरोन वाला आना है आपको, सीधा बोरोन रिएजेंट वाली चीज़ लगा के एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सुजुकी कपलिंग करेंगे, इसका चिलेशन करेंगे, ट्रांसमेटलेशन सीधा करके आप सीधा इसका आंसर निकालेंगे। सो होप गाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग हैक कपलिंग करेंगे। एक्चुअली हैक कपलिंग में ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसे डिटेल में लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में हैक कपलिंग करेंगे। इसके बाद देखते हैं फिशर कार्बिन शोरो कार्बिन की एक क्लास करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ऐसे साइकिल्स चलते रहेंगे और अपना ये ऑर्गेनोमेटालिक सीरीज को ख़त्म करेंगे। तो दिस इज़ फॉर दिस क्लास, थैंक यू।